ये देखो दीदी जी क्या कर रहे हैं, मतलब से एकदम से सामने आ रही हैं दीदी जी। सो फ्रेंड्स, सुनकोट सिटी के अंदर इंटर हम लोग हो चुके हैं। सो चलते हैं हम सुनकोट सिटी में। मेरा एक छोटा सा काम है मेन सिटी में, वहाँ से हम लोग करके आते हैं जो है अपना काम। सो यहाँ पे देखो सुनकोट सिटी के अंदर जाम लग चुका है। इस जाम से कैसे निकला जाएगा भाई। सो फ्रेंड बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ, यहाँ से थोड़ा सा निकलते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई बासित खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी खान व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए फर्स्ट मोटो व्लॉग वीडियो। सो मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कैसी होने वाली है। सो फ्रेंड्स, कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी के लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँ। सो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड यहाँ से हम निकल चुके हैं, अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो फ्रेंड मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। चलते हैं हम अपनी व्लॉग के साथ सुनकोट सिटी की तरफ। सो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमारे गांव का व्यू जो है वो, हमारे पोठा विलेज का व्यू आप सभी को दिख रहा होगा। सो फ्रेंड ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पे एक ज़ियारत है, बहुत ही अच्छी ज़ियारत मानी जाती है यहाँ पे। देख लीजिए फ्रेंड यहाँ पे लोग जो है वो रास्ते में, मतलब गाड़ियाँ कहीं भी लगा देते हैं। एक तो रोड बिल्कुल ही सिंगल है, दूसरा रोड में लोग गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं यार कि कोई आएगा बंदा उसको गाड़ी निकालनी होगी। अगर मतलब कोई बड़ी गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी ना पोठा की रोड पर तो वो बिल्कुल ही नहीं निकल पाएगी, क्योंकि फ्रेंड लोगों को इस चीज़ का तो ख्याल ही नहीं है। वो तो सोचते हैं बस हमारी जगह के पास से रोड निकल गई तो हमने तो रोड ही को ख़रीद लिया। बट गाइस ऐसा नहीं होता है यार, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, हम लोगों को देखना चाहिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ है। सो फ्रेंड्स जो जो मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। सो फ्रेंड्स आपका भाई आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आएगा, डेंजरस मोड। सो लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं अपने अपनी, कोई बिजनेस की तरफ जा रहा है, कोई अपने जॉब पे जा रहा है, सब लोगों का मतलब अपना अपना वो डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े हैं सभी लोग। सो फ्रेंड हम भी
चल चुके पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो फ्रेंड बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेके आऊँगा। सो फ्रेंड हम लोग अपने हाईवे पे पहुंच गए हैं, जो है अपने लिंक रोड से हाईवे पे इंटर हो चुके हैं। ये हमारी हाईवे की रोड है, पोठा बाईपास का नाम इसको दिया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सो फ्रेंड्स पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी ये जो पोठा बाईपास की रोड है, ये रोड हमारे लिए सबसे अच्छी रोड मानी जाती है। सो फ्रेंड बहुत जल्द हमारा जो ट्रैवलिंग का प्लान है कश्मीर का, वो भी बहुत जल्द होने वाला है। और उसके बाद बहुत जल्द कुछ दिनों के बाद मैं और मेरे कुछ फ्रेंड ट्रैकिंग पे जा रहे हैं सेवन लेक। सो फ्रेंड वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा ट्रैकिंग पे। सो सेवन लेक पे जो मतलब वहाँ का व्यू है ना फ्रेंड, वो बहुत ही हसीन है यार, लाजवाब है। मतलब वो जिसे बोलते हैं ना कश्मीर जन्नत है। सो ऐसी जगहों पे जाके ना आपको पता चलता है कि मतलब कश्मीर क्या है। सो फ्रेंड्स मैं आप सभी को मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊँगा ट्रैकिंग के साथ। मैं और मेरे साथ होंगे 3-4 फ्रेंड होंगे, हम सभी ने चलना है वहाँ पे। सो देखते हैं वो हमारा प्लान कब तक बनता है। फ़िलहाल तो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि हमारा प्लान जो है वो नेक्स्ट वीक है। सो फ्रेंड देख लेते हैं, हमारा प्लान नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह। कोशिश तो ज़रूर होगी हमारी कि हमारा प्लान जल्द से, ये हमारा पुलिस का नाका जो है वहाँ से हम लोग गुजर चुके हैं। ये हमारी सुनकोट की रोड है, हम लोग सुनकोट रोड पे इंटर हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हुए। ये देखिए भाई कहाँ से गाड़ी घुमा रहे हैं। सो फ्रेंड सुबह का व्यू बहुत ही अच्छा है, मतलब मस्त मस्त हवाएं चल रही हैं इस टाइम सुबह सुबह, बहुत ही अच्छा मौसम है इस टाइम सुबह सुबह का। आज कुछ अच्छी अच्छी हवा चल रही है सुबह के टाइम, मतलब गर्मी अभी तक नहीं हुई। सो इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो इस टाइम का जो मौसम है ना वो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, मतलब गर्मी वगैरह तो कुछ भी नहीं होती है। ये देखो दीदी जी क्या कर रहे हैं, मतलब से एकदम से सामने आ रही हैं दीदी जी। सो फ्रेंड सुनकोट सिटी के अंदर इंटर हम लोग हो चुके हैं। सो चलते हैं हम सुनकोट सिटी में, मेरा एक छोटा सा काम है मेन सिटी में, वहाँ से हम लोग करके आते हैं जो है अपना काम। सो यहाँ पे देखो सुनकोट सिटी के अंदर जाम लग चुका है। इस जाम से कैसे निकला जाएगा भाई। सो फ्रेंड बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ, यहाँ से थोड़ा सा निकलते हैं हम लोग आगे। मतलब सुबह से ही रश पड़ना शुरू हो गया हमारे सुनकोट के अंदर। सो
तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, मैं सुनकोट सिटी के अंदर थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। मतलब लोग ना कहीं भी गाड़ी जो है वो पार्क कर देते हैं, उसकी वजह से जो है सुबह सुबह जाम दिखेगा आप लोगों को। मतलब सुनकोट सिटी के अंदर लोग जो है ना वो बिल्कुल सेंटर से चल रहे हैं लोग। सॉरी फ्रेंड, मुझे जो है वीडियो को स्टॉप करना पड़ा, बिकॉज़ आप सभी ने मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरी बाइक जो है वो थोड़ी सी क्रैश हो गई थी। एक बुज़ुर्ग जो है वो मेरी बाइक के आगे अचानक से आगे गली से दौड़ के एकदम से मेरी बाइक के आगे आगे, जिसकी वजह से उनके साथ टक्कर हुई। उसके बाद मेरी जो RR 310 है वो गिर गई और उनको भी सर में थोड़ी सी चोट आई। उसके बाद जो है मैं उनको सुनकोट के हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद वहाँ से रजौरी लेके गया। रजौरी के हॉस्पिटल में जो है उनका सीटी स्कैन हुआ। उसके बाद सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है। थैंक गॉड वो बुज़ुर्ग जो थे वो भी बच गए। शायद उनकी वजह से हमारी बाइक भी बच गई। फ्रेंड उस थोड़ी सी हमारी बाइक जो है वो क्रैश हो गई थी, थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह आए हैं यहाँ पे। उसके बाद मेरा इंडिकेटर जो है वो भी टूट गया। यहाँ पे देखो ये भी थोड़े से स्क्रैचेस आए हैं यहाँ पे भी। फ्रेंड थैंक गॉड बार बार बच के। फ्रेंड मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मेरी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।